अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको दिल से वेलकम। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो वीडियो पर इम्प्रेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो व्यूज़ भी आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 8 AM। आज क्या हुआ ना, रात में बच्चों को अक्सर ऐसे ही होता है ना, वो एक को अफीफा को अल्लाह अल्लाह करते सुलाओ और एक के ऊपर हाथ रख के सुलाओ। तो दोनों को सुलाते सुलाते मुझे नींद लगने लगी। जैसे ही मेरी नींद हुई ना, 5 मिनट की भी नहीं हुई कि अफीफा अहमद चिल्लाना शुरू कर दी, आँख खुल गई। फिर उन लोगों को सुला कर उसके बाद मुझे जो नींद नहीं आ रही थी ना, इतनी परेशान हुई। 3:30 बजे मैं रात में सोई हूँ डर के। मतलब अकेले मुझे ना अक्सर नींद नहीं आती, पहले तो नींद नहीं आती थी, पूरी रात रात में जागती थी अगर हस्बैंड कहीं चले जाते थे तो। सूरह बकरा, सूरह यासीन, पता नहीं क्या क्या सुनती थी, मुझे शायद डर ही लगता था, मैं सो भी नहीं पाती थी। अभी तो बच्चे हैं तो सो जाती हूँ साथ में, लेकिन इस वजह से नहीं सो पाई। और मॉर्निंग में उठने में इतना ज़्यादा लेट हो गया। आज मैं उठी 8 बजने में, वही कुछ मिनट बाकी था तब। तो बस फटाफट से ना अहमद के लिए यहाँ पर मैं अभी पास्ता बनाने जा रही हूँ। उसने रात में ही बोला था, अम्मी मैं स्कूल जाऊँगा तो पास्ता लेकर जाऊँगा और पैनकेक लेके जाऊंगा। तो मैं फिर भी सुबह में उसे उठा उठा के कंफर्म की कि अहमद पैनकेक बना दूँ या फिर पास्ता बना दूँ, तो बोला पास्ता बना। और ये सारी क्लिप जो है कल रात की है। रात का टाइम था, हस्बैंड जा रहे थे काम से औरंगाबाद के लिए, तो मैं सोची ना क्यों ना रात से ही अपना ब्लॉग शुरू कर दिया जाए। तो खाने पर ही मुझे पता चला, मतलब एक दो दिन से वो बोल रहे थे कि जाऊंगा जाऊंगा, मगर मैं ऐसा सोच रही थी कि वो टाल देंगे नहीं जाएंगे, मगर उनका जाना कन्फर्म हो गया। खाना पीना खा के निकल गए। और मैं यहाँ पर ना मॉर्निंग के लिए खजूरें भिगा रही थी, तो बीज निकाल कर मैंने भिगा दी हूँ पानी में। लोग चल रहे हो कि नहीं सोने के लिए? मैं लाइट बंद कर दूँ डायरेक्ट, जल्दी से चलो उधर। नहीं हो गया, मेरा हो गया, खजूर भिगा रही थी, हो गया। चलो इधर जल्दी से चलो, मैं लाइट बंद करने जा रही हूँ। क्या नहीं, अब सुबह में मिलेगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। बच्चे भी ना माँ बाप पर ही गए हैं। पहले जब बच्चे नहीं थे तो हस्बैंड को भी रात में भूख भूख लगती थी, तब इतना भारी नहीं पड़ता था जितना अब पड़ता है। क्योंकि जब एकदम सोने का टाइम आ जाएगा ना, तब इन लोगों को खाना होता है, पीना होता है, एकदम से एंड पे ही बोलते हैं। और जब खाना खाते हैं तब नहीं खाएंगे, तब नाटक करते हैं। गिराना पड़ाना नहीं, चलो जाओ। तुमको भी चाहिए। ये लो अफीफा। मैं बोली दूध में शक्कर नहीं है, फीका है, ज़रा नहीं बचना चाहिए, पूरा पी के ख़त्म करो। पियो, नहीं शक्कर नहीं डाला जाता है, जल्दी से पियो। हल्दी डालूं? हाँ तो पी लो, तुमको भी स्ट्रॉ चाहिए, चम्मच। सो जमीला रानी, वैसे तो बच्चे बिगड़े नहीं है, ये आम सी बात है। बहुत सारे बच्चे जो है ना दीवारों पर लिखना पसंद करते हैं, और देखा जाए तो मैं भी ऐसी थी। जब मैं छोटी थी तो मैं हर जगह दीवारों पर सिग्नेचर करती फिरती थी अपने नाम की। तो कहा नहीं जा सकता कि वो बिगड़े हुए हैं अब। और ये भी मालूम होगा कि छोटे बच्चे, अगर आपके बच्चे हैं तो इतना तो मालूम होगा, छोटे बच्चे मिट्टियाँ खाना पसंद करते हैं। तो अफीफा दीवार निकाल निकाल के कभी खाती पीती है, और अहमद को लिखना ज़्यादा पसंद है, और वो लिख लिख के बुक्स इतने जल्दी जल्दी भर देता है। फिर जब बुक्स भर जाती है तो स्कूल की बुक्स में देती नहीं हूँ, फिर वो दीवारों पर लिखना शुरू कर देता है। हो सकता है पिछली वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, उसमें बताने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग लगा होगा, आप लोगों को लगा होगा मैं शिकायत कर रही हूँ, बट नहीं, मैं बता रही थी। क्योंकि जनरली बच्चे जो नॉर्मल खेलते कूदते हैं करते हैं और थोड़ी सी काम ज़्यादा बढ़ा देते हैं ना, बस वही बता रही थी। अभी क्या हो गया है ना, अहमद कुछ दिन से उसकी बहुत बीच में तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो उसके बाद से वो स्कूल जाने के लिए बहुत नाटक करने लग गया है। तो मॉर्निंग में ज़्यादा नाश्ता भी नहीं करता, पहले कहता था दो पराठा भी खा लेता था, आनंद जैसे आप लोगों को मैं बताई हुई थी। और अब ऐसा हो गया है कि वो नाश्ता नहीं करता है, बहुत कम खाता है। तो जैसे पास्ता वगैरह उसे पसंद है ना, तो वो मॉर्निंग में अगर टिफ़िन में देती तो थोड़ा सा पास्ता वगैरह खा लिया, तो जूस वगैरह बना कर दे दी, तो पूरा भी नहीं पीता है, थोड़ा सा बहुत पी लेता है। तो जूस में मैं क्या करती हूँ ना, खजूर के साथ 4 मगज़ जो पाउडर मैंने ऐड की थी उसमें 4 मगज़ हैं, काजू बादाम अखरोट ये सारी चीज़ें पीस कर ना मैं पाउडर बना कर रखती हूँ। मिल्क में 1/2 चम्मच डालकर उसे ग्राइंड कर लेती हूँ, शक्कर वगैरह नहीं डालती हूँ, खजूर से वो ऑलरेडी मीठा हो जाता है। और फिर यही चीज़ ना मॉर्निंग में दे देती हूँ, इससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहती है। खजूर एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो लाहक बीमारियों का इलाज है, और डेली इस्तेमाल से कमज़ोरी वगैरह भी दूर हो जाती है। तो मिल्क गर्म था इसलिए मैंने जब ऐड नहीं की थी, अभी मिल्क
डाल करना। उसमें एक बार मिक्सर चला ली हूँ, सब मिक्स हो गया है और ये यहाँ पर रेडी है। और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली मीठा होता है। तो इस तरह से ये बना करना बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं और बूढ़ों को भी दे सकते हैं। पास्ता एकदम सिंपल और झटपट सा बनाई हूँ। थोड़ा सा तेल डालकर टमाटरों को मैंने गला ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर पास्ते बॉईल हो गए थे तो उसे डाल दी हूँ कढ़ाई में और मैगी मसाला डालकर मिक्स करके 2-3 मिनट कुक कर लेंगे। बस पास्ता रेडी हो गया है और तो पास्ता थोड़ा सा ठंडा हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं टिफ़िन में डाल दी, और बड़ी वाली टिफ़िन में डाल रही थी तो बोलता नहीं छोटी वाली में डालो। फिर टिफ़िन वगैरह पैक कर दी और विंडोज़ ओपन नहीं की थी, कपड़े वगैरह सारे ड्राई करने के इतने ज़्यादा थे तो वो बेडरूम में पूरा और विंडोज़ पर ड्राई हो रहे थे, जगह ही नहीं थी कि विंडो मैं ओपन कर दूँ। टिफ़िन बॉक्स बंद ही कर रही थी चॉकलेट डालकर, तो बोलता नहीं मुझे पैनकेक चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो फिर मैं बोली चले इससे अच्छा वो रोए आज के दिन, मैं फटाफट से बना देती हूँ। तो फटाफट एक अंडा शुगर ऑयल वगैरह लेके मिक्सी के जार में पीस ली और बस यहाँ पर मैदा मिक्स करने के बाद पैन पर डाल दी और बस क्या फटाफट से हो गया, ठंडा हो गया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने टिफ़िन में रखकर टिफ़िन को बंद कर दी। जब पहले भरपूर पेट पराठा खाकर जाता था तब बोलता था अम्मी मैं बाहर से चीज़ लूँगा, और अभी तो नाश्ता करता ही नहीं है, मतलब ना के ही बराबर उसका नाश्ता होता है। जब तक कि पराठा ना खाए मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ खाया हुआ है। तो जो मांगता है उसे बना देती हूँ मैं, कि घर पे नहीं तो स्कूल में ही बच्चे खाते हैं तो देख के वहाँ पर ही सबके साथ खा लेगा। तो अहमद को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं मिल्क और दही लेकर बस वॉक करती हुई घर पर चली आई। तो आकर सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो हैंग किए हुए कपड़े थे ना उसे उठा दी, क्योंकि ये टंगे हुए कपड़ों से ऐसा लग रहा है ना पूरे घर में अंधेरा है, विंडो पूरी तरह से ओपन ही नहीं है। तो ये सारे पर्दे वगैरह मैं हटा देती हूँ और कपड़े वगैरह सारे खड़ी करके रख देती हूँ, इन्हें मैं शाम में फ्री होकर ना तब प्रेस करूँगी। अहमद को स्कूल छोड़ के जब मैं रिटर्न आ ही रही थी ना, थोड़ा सा रोड पे मेन रोड पर आई, उतने में ना मेरे पैर की ना नस चढ़ गई। तो सोची मैं कि यहीं पर हूँ ऑटो कर लेती हूँ या पैदल आऊँ, ऑटो कर लूँ पैदल आऊँ, सोचते सोचते ना फिर मैं पैदल ही आ गई। मैं बोली चलो वैसे तो दिन में बाहर निकलती ही नहीं हूँ, थोड़ा आराम से ही सही करके मैं वॉक करते हुए चली आई। और फिर आकर थोड़ा सा घर पे आराम वगैरह की। उसके बाद यहाँ पर कुछ 10 बजने वाले थे तो फटाफट से चाय वगैरह चढ़ा दी और एक तरफ आटा गूंद कर रख दी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं अपना एक न्यू चैनल बना लूं, क्योंकि क्या होता है ना जब मैं वीडियोस अपलोड करती हूं कुछ वक्त तक के तो मेरे क्लिक रेट बहुत अच्छे रहते हैं, जो मेरी जेन्युइन सब्सक्राइबर है वो वॉच करती हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद तो लिख कर आता है पीपल आर नॉट चूजिंग, तो उस पर क्लिक ही नहीं कर रही है। तो मेरे जो सब्सक्राइबर है ना उस पर 50% से ज़्यादा है सीरियल के सब्सक्राइबर है, तो जो मेरे खुद के जेन्युइन है ही नहीं तो वो मेरी वीडियो क्यों देखेंगे। तो मैं सोच रही थी एक न्यू चैनल बना लूँ और अब उसकी लिंक आप लोगों को दे दूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना जेन्युइन, जिनको भी मेरी वीडियोस देखना पसंद है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर मैं वीडियोस डालूंगी। शुरू में तो मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगी, क्योंकि दोनों चैनल मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। फिर अगर उस पर अच्छी चल जाएगी तो ये चैनल बंद करके मैं वहीं चलाऊंगी। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल की लिंक आप लोगों को दे सकूं बनाकर। तो न्यू चैनल को ग्रो करना कितना मुश्किल होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, और तो अगर सपोर्ट रहेगा आप लोगों का तो हो जाएगा। तो उससे कमेंट्स में बताएंगे तो मैं अपना न्यू चैनल क्रिएट कर सकती हूँ। तो चाय बन गई थी, उसके बाद मैंने पराठा बनाकर अब्बा को दे दी, नाश्ता हो गया था और फौरन ही मैंने ना रोटियां वगैरह भी बना ली। उसके बाद नाश्ता करके किचन का काम करने आ गई। इतना ज़्यादा वक्त है मेरे पास, जब हस्बैंड होते हैं तो हम लोग थोड़ी बैठ कर बातें वगैरह कर लेते हैं, टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं फटाफट से ना जितने काम हो सकते हैं उतने काम ही कर लूँ। तो सबसे पहले ना किचन के जितने भी बर्तन वगैरह थे सब धुलकर रख दी, क्योंकि मॉर्निंग से थे। फिर नाश्ता वगैरह अहमद को दी, टिफ़िन वगैरह बनाकर वो बर्तन निकले, फिर नाश्ते के बर्तन। अगर ये सब नहीं धुलूंगी अभी तो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते। तो बर्तन धुलने के बाद ना यहाँ पर गैस वगैरह भी धुलने लग गई थी। पानी इतना ज़्यादा तेज़ आता है ना कि काम करने का सब मन करता है ना कि मैं सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा लूँ पानी जाने से पहले। अभी कभी कभार है ना पानी 10-11 बजे तक आता है,
कभी 12 बजे तक आता है, कभी 9 बजे ही चले जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अगर इस तरह से वीक में भी क्लीन करते हैं ना, तो ये पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह की नौबत नहीं आएगी क्लीन करने की, ना ही गैस स्टोव की और ना ही किचन के कॉर्नर की। वीक में एक बार अच्छे से क्लीन करें, ज़रा भी यहाँ वहाँ गंदगी नहीं बैठेगी, तेल नहीं जमा होगा। और चप्पल पहन के आ रहे हो? अहमद को लाने गए थे अब्बा, तो चिकन भी साथ में ले आए। वैसे तो हस्बैंड सारी चीज़ें लाकर ना घर में रख कर गए थे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो चिकन वगैरह धुलकर रख दी हूँ। और 12 बजने आए हैं, लेकिन हफीफा की नींद नहीं ख़त्म हो रही है, तो अब मैं इसे ना उठा दे रही हूँ, क्योंकि पोछा लगाने वाली भी आती ही होगी। इसे पलंग पर लिटा दूँगी और जो गद्दे पड़े हैं ना उसे समेट वमेट के रख दूँगी, ताकि जब पोछा लगाने वाली आए ना तो फटा। और इस शेल्फ़ की जो चीज़ें हैं ना, वो अगर शेल्फ़ पे रखी होती तो उसे खड़े तो कर दिए जाता है, लेकिन क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब डब्बे में आ गई है ना, तो कोई भी चीज़ होती है ना, वो सीधा लाकर उस बॉक्स में ही डाल देते हैं। कोई भी चीज़ इस्तेमाल हुई और सीधा डाल देंगे, उसे अच्छे से रखते नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, तो ये कितना बेकार हो गया है। तो मैंने क्या किया ना, पहले शेल्फ़ वगैरह पोछ ली हूँ, इसे ना मैं बाद में फुर्सत में करूँगी, अभी मैं फ़िलहाल के लिए शेल्फ़ वगैरह क्लीन कर लूँ, थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लूँ, ताकि जब काम वाली आए ना तो फटाफट से पोछा वगैरह लगा कर चली जाए और बात का कुछ ना रहे। उसके बाद यहाँ पर बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, लिक्विड डालकर रखी थी, तो बाथरूम वगैरह क्लीन करके फ्रेश होकर मैं निकल गई हूँ। बाथरूम वगैरह धुलने के बाद है ना, मुझे बिना शावर लिए चलता ही नहीं है, मैं ज़रा नहीं बाहर रह सकती हूँ, तो फ़ौरन मैं शावर भी ले लेती हूँ। जब से पोछा लगाने का हेडेक कम हुआ है ना, सच बता रही हूँ, इतना ज़्यादा रिलैक्स रहती हूँ ना। एक तो चलो कुछ नहीं तो कम से कम झाड़ू पोछा तो करके जाएगी। बाथरूम भी इनको मैंने दी थी, मगर ये बराबर से पहले दिन ही नहीं क्लीन किए, तो मैंने फिर इन्हें बोली जान दो मत धुलो, तुम खाली पोछा वगैरह ही लगा के जाया करो। पूरा बोलो अम्मी, बैठ दिखा दो ना, मंकी दिखा दूँ। इसका बोलने का अंदाज इतना ज़्यादा अच्छा है ना, कि अगर इंसान का मूड भी ना हो तब भी वो खुश हो जाए। एकदम रिक्वेस्ट करके बोलती है, अम्मी ये दिखा दो ना, अम्मी बैर दिखा दो ना, अम्मी मंकी दिखा दो ना। तो बहरहाल यहाँ पर सारा जो डब्बे में चीज़ें रखी थी उसे मैं निकाल कर ले आई और पलटी की, तो इतने सारे उसके अंदर क्लिप वगैरह थी। अक्सर क्या होता है, कभी भी हम लोग बाहर वगैरह जाते हैं और अफीफा है ना रास्ते में ही निकालना शुरू कर देती है, तो मेरे पर्स वगैरह में होता है, तो मैं वो निकाल के लाके ना सीधा यहाँ पर रख देती हूँ डब्बे में, कि बाद में मैं इसे इसकी जगह पे ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी, मगर वो बात आता ही नहीं है, फिर वो चीज़ें ना वहीं पर पड़ी रह जाती है। तो आज मैंने इसे सारा समेट वमेट कर रख दिया। नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है, देख ऐसे ही। बचपन में घर घर किसने खेला, यहाँ पर अहमद को देख के आप लोगों को याद आता होगा बचपन में किस तरह से खेलते रहे होंगे। तो इसे भी ना घर के अंदर भी खुद का घर चाहिए होता है, घर बना कर बैठेगा, खाना पकाएगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा। बहरहाल यहाँ पर मैंने ऑमलेट बना ली हूँ, उसमें कांदा, नमक, मिर्ची वगैरह डालकर, तो बस यहाँ पर सिंपल सा लंच हो जाएगा और डिनर में देखेंगे। रात की दाल वगैरह थी तो लंच इनफ है, इतना कुछ अच्छा बना लेंगे डिनर में। प्लांट बहुत थोड़े से ही, लेकिन जो सुकून मुझे प्लांट देते हैं ना, सुकून इतना विंडो पर नहीं है, मतलब कि हाँ इन लोगों को देखना और पानी देना वाना बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून सा मिलता है, और जब ग्रो करते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 कटिंग लगाई थी, 4 कटिंग मतलब इस तरह से ना 4 कटिंग लगाई थी, इसमें से भी आने लग गए हैं, और ये माशाल्लाह से 4 कटिंग से ना इतना अच्छा हो गया है। इसमें भी इसी तरह से मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी, और इसमें भी ऐसे ही मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी, तो एक रूट में से इतने ज़्यादा फिर निकल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर चिकन का पानी वगैरह अच्छे से निकल गया था, चिकन ड्राई हो गया था, तो अब मैं सोच रही थी इसे ना डिनर के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ, रात में बना लूँगी इसके चिकन फ्राई वगैरह, क्योंकि अब्बा को वैसे भी बहुत दिन से खाने का था। फ्राइडे को मैंने जब सालन बनाई थी तो अब्बा का मन था कि मैं फ्राई कर दूँ, तो चिकन लेकर आए हैं आज, तो मैं सोच रही हूँ फ्राई ही कर देती हूँ। और एकदम सिंपल सा मसाला इसमें लगेगा, इस तरह का चिकन आप बनाएंगे तेल में फ्राई करेंगे ना
तो इसकी कोटिंग वगैरह ज़रा भी नहीं निकलेगी, एकदम आसान से झटपट से बन जाता है। लेकिन जितना मैरिनेट करके रखेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा चिकन के अंदर टेस्ट आएगा। तो इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दी हूँ, दही को छन्नी पर रखी थी पानी निकलने के लिए उसे ऐड कर दी हूँ, एक लेमन जूस ऐड करेंगे और 2 चम्मच लाल मिर्ची जो कि तीखा भी है और लाल भी है तो वो ऐड कर दे रही हूँ। आप लोगों के पास अगर लाल मिर्ची ना हो तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करें या फूड कलर, कलर बहुत अच्छा आता है तो फिर खाने में भी मज़ा आता है। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर मैं 2 एग ऐड कर रही हूँ। अगर आप 1 एग भी ऐड कर सकते हैं, अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ना अलग अलग वाटी में तोड़ी हूँ पहले एग को, उसके बाद ही ऐड की, क्योंकि लंच के टाइम जब मैं बना रही थी तो 1 अंडे में से खून निकला था तो वो खाना जायज़ नहीं है। तो पहले तोड़ कर देख ले, क्योंकि अगर दोनों मैं साथ में डालती हूँ तो पूरा का पूरा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसलिए मैंने ना अलग अलग तोड़ी देखी उसके बाद ही फिर एक करके ऐड की। उसके बबाद यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे फ्रीज में मैरिनेट होने के लिए। टाइम हो तो जितना समय उतने समय के लिए रख सकते हैं फ्रीज में, लेकिन अगर टाइम ना हो तो आधा घंटा मिनिमम रख सकते हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालकर भी मिक्स कर दी हूँ, अब इसे रख देंगे फ्रीज में। तो दोनों बच्चे मस्ती करते करते अब सो गए हैं और इन्हें सुलाने के लिए सुलाते सुलाते कभी कभी मुझे भी नींद आ जाती है। बहरहाल दोनों सो गए तो मैं उठी फटाक से। अब मैं बोली कि ये सो रहे हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो अब मैं क्या करती हूँ कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। वैसे तो मैं शाम के टाइम पे ही करती थी, मगर अभी ऐसा लग रहा है ना, इन लोगों को बोली थी मैंने कि तुम लोगों को शाम में ना मैं बाहर लेकर जाऊँगी, तो मैं सोची पहले ही कपड़े प्रेस कर लूँ और बच्चों को एक बार कह दो कि हाँ भाई हम ये करने वाले हैं तो वो तो लेकर बैठ जाते हैं। उन लोगों के दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो जाता है ना कि हमें जाना है, बोले थे तो जाना ही है, वो लोगों को दूसरी बातें नहीं समझ में आएगी, बस जाना है तो जाना है। तो देखिए अच्छा खासा टाइम मैनेज हो गया। ये टाइम पे मैं अगर सोती नहीं तो बस क्या करती, क्या कहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते बैठती, लेकिन वही टाइम पे मैंने कपड़े वगैरह प्रेस कर ली तो काम भी ख़त्म हो गया, मेरा टाइम भी मैनेज हो गया और वेस्ट नहीं हुआ टाइम। तो ये जो पानी आप लोगों ने देखे मैंने प्लांट में डाली वो है दाल का पानी। शुरू में मैंने क्या करती हूँ ना, दाल या फिर राइस का पानी 2-3 दिन में एक बार ना अच्छे से चावल को दाल को धुलती हूँ और जो पहला पानी होता है वो पानी मैं बॉटल में डाल लेती हूँ, उसे मैं स्प्रे कर देती हूँ। तो और प्लांट पे पानी डालना था तो मैंने दाल को धुल के पानी डाल दी और दाल को भीगने के लिए छोड़ दी। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ खट्टी दाल एंड चिकन फ्राई। तो हमारे व्यूवर्स के किसके घर में इस तरह की खट्टी दाल बनती है तो मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर मसूर की दाल ले ली हूँ, हल्दी नमक और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, साथ ही मैं 1 टमाटर डालूँगी और ज़्यादा टमाटर नहीं डालना, टमाटर स्किप भी कर सकते हैं मगर मैं 1 डालती हूँ। और इमली को भिगा कर रख देंगे क्योंकि इमली से ही तो दाल खट्टी बनेगी। हमारी यूपी में जो बनती है ना वो क्या करते हैं, क्या तुअर की दाल को बना लेते हैं और बाद में ना उसमें 2 खटाई डाल देते हैं तो वो हल्की सी खट्टी हो जाती है, मतलब इतनी खट्टी नहीं होती जितनी इमली से खट्टी हो जाती है दाल। तो यहाँ पर देखिए दाल अच्छे से गल गई है। अब इस तरह से ना थोड़ा सा फेंट लेना है, मतलब घोट लेना है और जो थोड़ी बहुत खड़ी दाल होगी ना वो मैश हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो इमली हमने भिगो कर रखी थी उसे अच्छे से मसल करना, उसका खट्टा पानी दाल में डाल देंगे और पका लेंगे अच्छे से। जितनी गाढ़ी दाल चाहिए उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूँगी और बस तड़का दे दूँगी। और तड़का देने के लिए बस सिंपल सा है, ऑयल में लहसुन कूट कर डालें या फिर चॉप करके, हमारे यहाँ कूट कर डालते हैं। जैसे ही लहसुन लाल हो जाए इसके अंदर राई, ज़ीरा और लाल मिर्ची, कड़ी पत्ता डालकर दाल में छौंक देंगे। तो यहाँ पर देखिए दाल हो चुकी है, नमाज वगैरह भी मेरी हो गई थी। अब ना डिनर का टाइम हो रहा है तो फटाफट से मैं यहाँ पर चिकन को फ्राई कर लूँगी और सारा दस्तरखान मैंने नीचे लगा दी हूँ, बनते जाएगा और मैं इन लोगों को सर्व करते जाऊँगी, ये लोग खाते जाएंगे, गर्मा गर्म निकलते जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर तेल गर्म कर ली हूँ
और देखिए चिकन में जो इस तरह का पानी छूटा है ना, इसे मैं निकाल दे रही हूँ। अब एक बार मिक्स कर ली हूँ वापस से, और तेल अच्छे से जब एकदम गर्म हो जाए ना तभी इसमें छोड़ना है। अगर ठंडे तेल में छोड़ेंगे तो तेल ना बहुत ज़्यादा चिकन पिएगा और फिर बराबर से शुरू में तो पकेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा तेल आपके ख़त्म हो जाएंगे। जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए एक एक पीस ड्रॉप करते जाएंगे, और दो एक से दो मिनट तो चिकन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि इसके मसाले सेट नहीं हो जाते हैं कोटिंग, वरना अगर इसमें चम्मच लगा दिए तो कोटिंग सारी उतर जाएगी। एक से दो मिनट हो जाएंगे ना तो खुद ही दिखाई देगा आपको कि किस तरह से कोटिंग उसमें चिपक गई है। तब हमें क्या करना है, इसको पलटी करना है, और पलटी करने के बाद अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है और उसके बाद निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पर कोटिंग नहीं निकली, जिसकी एक ही वजह है कि जब भी हम चिकन डालते हैं तो फ़ौरन चम्मच ना लगाएं, अच्छे से चिकन को सेट हो जाने दें, पक जाने दें, उसके बाद अल्टी पलटी करें जिससे कि कोटिंग नहीं उतरेगी। मेरी स्किन है ना थोड़ा सा तवज्जो मांग रही थी कुछ दिनों से नहीं, दो तीन दिन से ना मैं ध्यान नहीं दे रही थी, और गैस के पास रह रहे के ना मुझे ऐसा लग रहा था मेरा फेस है ना जला हुआ है। ऐसे तो वैसे भी लगता है जला हुआ ही है, तो मैं सोची चले आज ना फुर्सत में हूँ तो क्या करती हूँ, फेस पैक लगा लेती हूँ। तो फेस पैक लगा ली थी, आफ्टर 15 मिनट्स इसे क्लीन करना था, तो पानी से तो नहीं क्लीन कर सकती थी क्योंकि पूरा कपड़ा भीग जाता, क्योंकि मैंने नेक पर भी अप्लाई कर दी थी। तो रुमाल से लेकर अच्छे से मैंने क्लीन कर ली और उसका रिजल्ट अमेजिंग है। उसके बाद बच्चों को यहाँ पर मैं ना तेल लगाने आ गई थी, तो एक दिन छोड़कर एक दिन लगाती हूँ, जैसे कि जिस दिन मुझे निलाना होता है ना उन लोगों को सर से, उस दिन मैं रात में तेल लगा देती हूँ, वरना इतना ज़्यादा भर के तेल नहीं लगाती हूँ। उसके आधे घंटे बाद यहाँ पर मैंने अपना सीरम और नाइट जेल लगा ली। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।